लोगों की श्रद्धा भावना को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी ये सुख देश की सुख शांति समृद्धि के लिए पैदल यात्रा हमारी वैष्णो देवी तक गई थी। मध्य प्रदेश से जिला सिवनी से वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर तक और जम्मू कश्मीर से वापस आ रहे हैं। इस पदयात्रा के दौरान सुख शांति समृद्धि के लिए देश के लिए, ये हमारी अपने लिए कुछ नहीं है, ये देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता बनी रहे, अखंडता एकता का साम्राज्य हो, हमारे देश में सुख शांति साम्राज्य हो, अमन चमन हो, सुख शांति के साथ में भाईचारा हो। इसके लिए हम अपनी पदयात्रा का प्राचीन ऋषि परंपरा को अपनाते हुए, प्राचीन ऋषि परंपरा पैदल यात्रा को हमने अपनाया वाहन का परित्याग करके, और ये यात्रा हमारी पूर्ण होती हुई हम वहाँ से जिला सिवनी से निकले थे, बड़ा महादेव पचमढ़ी उज्जैन होती हुई भोपाल होती है उज्जैन, उज्जैन से राजस्थान होते हुए जयपुर कोटा वाले रास्ते से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर वैष्णो माता और वैष्णो माता से वापस जम्मू कश्मीर हरियाणा हिमाचल दिल्ली होते हुए आगरा मथुरा होते हुए चित्रकूट मैहर होते हुए मंडला होती हुए यहाँ तक पहुँचे, और हमारी पदयात्रा आगे अभी प्रस्थान है छत्तीसगढ़ में, इसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद में सिवनी जिले जाएगी। तो इस यहाँ सबसे बड़ी हमको एक मिसाल देखने को मिली कि गौरधाम में पहुँचने के बाद में एकता की जो भावना है, ये बंटी पटले जो हैं इनके आप दोस्त हैं, ये सहभागी हैं, तो ये जो एकता हमको देखने को मिली कि यहाँ पे आप यानी कि हमसे कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक दोस्ती कारण तो मनुष्य का व्यवहार उसका परिचय है, और ये दोस्ती कारण आप इतने लोग पहुँचे, आपने वहाँ स्वागत किया, ये एकता का प्रतीक है, ये आपसी भाईचारा।